नमस्कार दोस्तों, आप सभी का राधिका किचन में स्वागत है। आज बनाएंगे हम मालपुआ। तो मालपुआ में पड़ने वाली सामग्री हमको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे दोस्तों केले। हमने 4 या 5 केले लिया है, इसे हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। तो यहाँ लिया हमने 1/2 कप सूजी और 1 कप गेहूं का आटा। तो आप देख रहे हैं, तो 1/2 कप हम दूध लेंगे और स्वाद अनुसार शक्कर लेंगे। तो ये सामग्री है। एक बार फिर दूध दिखाती हूँ। आप इसे हम टुकड़ टुकड़ कर लेंगे टुकड़े और केले के, और इसमें डाल देंगे छोटे छोटे टुकड़े, सही रहते हैं। और इसमें सारी सामग्री डालकर हम मैश कर लेंगे। जो भी मैंने सामग्री दिखाई ये सारे ऐड कर लेंगे। तो मैं 3 चीजों से बनाऊंगी, गेहूं का आटा, चावल का आटा और सूजी। तो काफी टेस्टी होते हैं ना, इस तरह से मालपुआ बनाया जाए और ठंडी में गर्मा गर्म तो काफी टेस्टी होते हैं। ये दूध जितना हमको चाहिए, अभी थोड़ा डालेंगे पीसने के लिए मिक्सर में, तो बाकी हम बाद में डालेंगे। ये है सौंफ का पाउडर, 1/2 टीस्पून सौंफ का पाउडर डाला है। तो काफी इसमें ऐसा फ्लेवर आता है। और थोड़ा चुटकी भर डालेंगे हम इलायची पाउडर। तो ये सारी सामग्री डाल के हम इसको पीस लेंगे, इसको बैटर कर लेंगे। तो बैटर हमको इस तरह से चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा गाढ़ा भी नहीं, ज्यादा पतला नहीं, बस ऐसे चाहिए। देखिए इस तरह से बैटर चाहिए हमें। तो आप इसे हम एक बर्तन निकाल लेते हैं। तो फ्राई करने के तैयार है पन्ने के लिए ये बस। तो ऐसे मिक्सर में पीसने से ना काफी टेस्टी आता है, स्वाद होते हैं। तो एक एक कड़छी डालकर हम इसे बस डाल देंगे, बहुत ज्यादा फैलाएंगे नहीं। मालपुआ का जो बैटर है ना, बहुत गाढ़ा भी नहीं हो जाए, गाढ़ा हो जाएंगे तो अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे, और पतला हो जाएगा तो वो फैल जाएगा। तो इसे हम एकदम मीडियम साइज में बनाएंगे, तभी हमारा मालपुआ एकदम बढ़िया और सेम में बनेंगे बहुत अच्छे से। और थोड़ा सा तेल ऊपर से डालकर इसको हम फुला लेंगे, गैस को सिम कर लेंगे धीमी आंच में। ये बहुत अच्छा से धीरे धीरे पकता है, तो काफ़ी टेस्टी भी होता है। ये देखिए अब पलट लेते हैं, एकदम सुनहरा रंग आ गया इसमें। तो ये खराब नहीं होता ठंडी में, कभी भी इसको खा सकते हैं, 2-3 दिन तक खराब नहीं होता है। सफर में खाओ, कहीं भी घर में, ठंडी का मौसम बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए तैयार है मालपुआ बनकर। तो दोस्तों इस तरह से बनाइए, खाइए। राधिका के किचन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो फिर बनाएंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन जरूर दबाइए, ताकि आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहूंगी।